एक बड़ी कारखाना था जिसमें बर्फ बनती थी, बड़े कारखाने में। वहाँ सब लोग नौकरी करते थे। सांझ हुई, सब लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। एक आदमी था जो इंजीनियर था, वो उस बर्फ के तहखाने में रह गया। काम करते करते उसको पता नहीं लगा और सब लोग दरवाजे बंद कर करके चलने लगे। जब सब लोग जाने लगे, चले गए, तो वहाँ का चौकीदार था, वो पहरेदार था, उसको बड़ी शंका होती है। और जिससे हम प्रेम करते हैं, मन से मन मिला रहता है, उसके दुख का भी अनुभव होता है, उसके सुख का भी अनुभव होता है। ये आप कभी भी आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। आपके भीतर उस बारे में दुखी है तो आपके भीतर भी दुख का प्रवेश होगा, सृजन होगा, और सुख है तो सुख का भी सृजन होगा। जो चौकीदार था, जो गार्ड था, गार्ड भीतर गया, उसने देखा, दरवाजे खोले, देखा कि भीतर इंजीनियर है, उसको लेके बाहर आ गया, जान बची। सुबह तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, तो वो प्राण उसके पखेरु हो जाते हैं। बाहर आने के बाद जब इंजीनियर से ने गार्ड से पूछा कि आप बताएं कि आपको कैसे पता लगा मैं भीतर हूँ, गार्ड ने बताया, रोज़ आप सुबह आप स्वयं मुझसे नमस्ते करके जाते हैं, मेरा ध्यान कहीं भी हो लेकिन आप नमस्ते करके जाएंगे। जब आप आते हैं तब भी नमस्ते करके जाते हैं मुझसे, और जब जाते हैं तब भी आप मेरा ख्याल करते हैं और मुझे नमस्ते करके जाते हैं। सुबह तो आपकी नमस्ते आदान और प्रदान हो गया था, लेकिन सांझ की नमस्ते नहीं हुई। मेरे मन की घंटी बजी कि सब बोल के गए हैं लेकिन इंजीनियर साहब बोल के नहीं गए, इसीलिए मेरा मन भटका और मैंने आपकी तलाश खोज शुरू कर दी।